तव्हांखे ख़बर आहे त हीअ जेका महफ़िल आहे, हीअ जेको इवेंट ऐं प्रोग्राम आहे, हिकिड़े ख़ूबसूरत शाइर जी किताब जी मोहरत मिठो दरिया सेवा पारां सिंध एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन पारां आर्ट्स काउंसिल में थी रही आहे। एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन सिंधी सोसाइटीअ में तालीम एजुकेशन जी बहितरीअ लाइ हिकु अहिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन जो नालो आहे जेका सिंध में गुरबत सिहत बाबति तमामु ज़रूरी फैसिलिटीज़ खे प्रोवाइड करणु यूथ डेवलपमेंट ऐं औरत जी डेवलपमेंट ऐं उन जी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन खे इंश्योर करे थी। मैं अपने घर जाता था पेशावर में, तो जब हम वापस, मैं ट्रैवल ज़्यादा करता था उन दिनों, तो बाय रोड में जाया करता था, तो जब भी हम कहीं सिंध में दाखिल होते थे हैदराबाद में, तो हमें ऐसा लग रहा होता था कि जय आई एम बैक होम, मेरे से कोई लिखाई नहीं हो रही। फिर जैसे कहीं से, मुझे इसका आइडिया नहीं कि क्या था, लेकिन जैसे कोई आपको कहे कि भाई कुछ शाह लतीफ़ पे तो गए नहीं हो, तो फिर आप क्या लिखोगे। तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा कि मुझे बताओ यहाँ से कितना फासला है। वो ऐसे जहाँ जैसे आपको कोई एक चीज़ उस तरफ एक खींच के लेके जा रही है। मैं वहाँ गया और वहाँ एक दुआ की इन्वोकेशन, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, जो लोग शायरी लिखते हैं तो वो ये समझते हैं कि इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप की जो डायरेक्शन है, जो एक थिंकिंग डायरेक्शन है, कि वो किस साइड पे जा रही है। तो वहाँ वो ज़्यारत करने के बाद जब मैं वापस आया, तो वो एक ऐसी बात थी कि जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। तो वहाँ से जब निकले तो फिर गर्दे सफ़र साथ रहा और अपना एक कलम साथ रहा, और फिर हम लिखते रहे और ऐसा लिखते रहे कि फिर जो भी चीज़ सामने आती गई, चाहे मैं फिर थर गया हूँ, फिर थर के घर पे हमने लिखा, थर के ऊंट पे लिखा, थर के कल्चर है कि वहाँ क्या हो रहा है उस पे हमने लिखा। फिर मैं 10 से ज़्यादा किताबें मैं लिख चुका हूँ, लेकिन जब मैं सिंध में आया तो यहाँ मुझसे पूछा गया कि अच्छा किताबें लिखते हैं, आपने क्या किताब लिखी, आपने क्या ट्रांसलेशन की, आप किस मौजू पर लिखते हैं। ये यहाँ पर सिंध की खूबसूरती है, ये कहीं और नहीं है, किसी और जगह में मेरे साथ किसी ने मेरी किताब पे बात नहीं की, किसी और जगह में ऐसे लोग कहीं हमारे सामने नहीं बैठते कि वो
दो घंटे बैठे रहें और वो आराम से सुनते रहें कि आप किसी किताब के मौजू पे बात कर रहे हैं। मुझे बहुत इंस्पिरेशन भी मिली यहाँ से और मुझे बहुत मोहब्बत भी मिली, जिसको मैं किसी भी अंदाज में आई कैन नॉट पे बैक। मेरे पास कोई कुछ भी नहीं है कि मैं आपको दूं या मैं सिंध को दूं या मैं सिंध के लोगों को दूं जो उन्होंने मुझे मोहब्बत दी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरे दोस्त ये बात करते हैं, यार आप सिंध में चले गए हो तो आप तो जैसे सिंध के होके रह गए हो। तो मैंने कहा हाँ, मैं शायद इधर ही से, जिस तरह वो हाफिज़ कहता है कि मेरी रूह, शायद हमारी रूहें अरसे से एक दूसरे की दोस्त हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि मैं जैसे एक अपने ही कहीं एक बहुत गहरे, बहुत पुराने, बहुत एंशियंट, सदियों से भी पुराने, उम्रों से भी पुराने किसी एक ऐसी जगह में आ गया हूँ कि जहाँ के साथ मेरा एक रिश्ता है। इस धरती को अल्लाह ताला ने एक बहुत क्रिएटिव एनर्जी दी हुई है, जिसको इस चीज़ की समझ है, जो इस पे काम करना चाहें उस एनर्जी को आपने यूटिलाइज करना है, आपने एक पॉजिटिव तरीके से उससे, उन चीज़ों से आपने कुछ बेनिफिट करना है। ये एक बहुत अजीम लोग हैं, मुझे एक बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत, एक प्यार है यहाँ के सिंध के लोगों के साथ। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इतनी एक महफिल आई, मेरी किताब की एक पजीराई हुई। ये मेरी किताब अब नहीं है, ये आपकी किताब है। ये किताब मैंने सिंध को डेडिकेट की है, इसकी डेडिकेशन सिंध के लिए है। सेवा जो मकसद आए तब असा एडुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, सैनिटाइजेशन उन्हें ते कम करण, इन हवाले से सेवा सिंध एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन पूरी सिंध में केतरा ही प्रोजेक्ट गवर्नमेंट जे कोलैबोरेशन से, इंडिविजुअली उन्हें जी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से असा सिंध में घना प्रोजेक्ट कया। उन्हें का पो बियो असा जो एकड़ो कंटिन्यूअस एकड़ो प्रोसेस रहयो, त असा गोल्ड मेडल अवार्ड सेरेमनीज कया, जो इंडस गोल्ड शहीद बेनजीर भुट्टो गोल्ड अवार्ड सेरेमनी है कराची में, इंडस अवार्ड सेरेमनी हैदराबाद में। उन शख्सियतों के जो सिंध में या पूरे पाकिस्तान में जै पांजे पांजे फील्ड में नुमाया कारकर्दगी ऑनेस्टी से अदा क्यों इन मुल्क कौम की खिदमत कई, उन्होंने असा गोल्ड मेडल दिना। सब का पे तंजीम जो पस मंजर में तक बुधाइन, तो दुनिया के तरक्की याफ्ता कौमन के तरक्की जो दारो मदार उतना के तरक्की याफ्ता तालीम माहौल उही सब आ, जो तालीम याफ्ता कौमन के साथ सियादी समाजी के मैदान में हैरत अंगेज तरक्की करे, तो सिर्फ पान के सुख आराम जो तोहफो फराम किया है, बल्कि पेंजी मान मर्तबे के भी बुलंद किया है। दुनिया के नक्श से नवाज फेराए, तो अड़ी तरह जो कौमन जहाँ केतरा ही मिसाल मिलंदा, जी कुछ वक्त अग में तो जहालत बुख हुई, जिंदगी की बाट ऊंधा वाट, तो इलम के लाट खड़ी हलन लगा, तदें जिन्हें की जिंदगी के हर मैदान में तरक्की जो राहू अचण लगियं, उहे डाके ब डाके पांजे तरक्की मंजिलों ते कंदा, अचण में दुनिया के तरक्की याफ्ता कौमन के सिफ में शामिल थी व्या। उन्हें गालन के नजर में रखंदे पेंजे इलाके में इलम के वाधारे ला एक तंजीम जोड़ी वही, जैजो नालो सकरण एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन सवा रखो वो। इन तंजीम जो वजूद मार्च महीने साल 1983 में रखो वो। इन तंजीम जो इल्मी अदबी समाजी सकाफती तंजीम है, जै कें फर्द वाहिद या कें सियासी ग्रुप से को वास्तो ना है। असा वो चाहूँ था तो जो भी वसर आहिर पुजी सके ओतरो ही इल्म अदब की खिदमत करे सकूँ। तंजीम जो ख्वाब वो है तो तरक्की याफ्ता बाख्तियार इंसाफ थी बदल माशरो कायम करते जी आम मानू जे इंसाफ ताई रसाई मुमकिन थी सके। तंजीम जो मिशन घट तरक्की याफ्ता कम्युनिटी के बाख्तियार बनाएं पायदार तरक्की लाए कोशिश वठन। तंजीम जो मोल मिठा बुनियादी सहूलतन तालीम साहद समाजी खिदमत ताई रसाई औरत के फिलहाल प्लानी तरक्की जदीद तंजीम हुनर के हथ वठणा नौजवान के जदीद हुनर सिख्या मुहैया करण ज़रात की तरक्की कुदरती आफशान के मुँह दियण ला तरबियतू करण माहौल की आलूदगी के खत्म करण ला कोशिशू करण गुर्बत घटाएं ला कदम करण। तू गाल करी तो जुल्फन की माँ अणबन अणबन वारन की तू कूक सुनी तो कोयल की माँ पेट बुखायल बारन की मुझे
बहुत ही फख्र से और बहुत ही मान और शान से ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि साहब किताब जिसने ये मिठो दरिया लिखा और सिंध की तारीख में अमर बन गए। हम लोगों ने ये एक छोटी सी काविश सिर्फ इसलिए की है कि उस इंसान ने जिसने धरती का बेटा न होने के बावजूद धरती का बेटा होने का सबूत फराहम किया है, मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। मिठो दरिया ये अभी एक किताब नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान है, ये पूरा सिंध है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला ये सिंध तक नहीं होगा, पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल तक ये मिठो किताब जाएगा और दुनिया को पैगाम देगा कि सिंध जो है 5000 साल से भी पुराना जो मोहनजोदड़ो है, आज भी सिंध के लोग मोहनजोदड़ो की तहजीब से जुड़े हुए हैं और आज भी सिंध जो है मोहनजोदड़ो जैसे लोगों की से भरी हुई है। पहरियों तो मां थोराए तो आया सिंध एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन जो जिन ही मुख्य मौको दिनो मुखातिब थी सगा। सिंध में जी तो एक बेरोजगारी तमाम घनी आ नौजवानन के मां तालीम के हवाले से कुछ टिप्स दियण तो चाहें तो बेरोजगारी तमाम वो एक मसलो है, उन के असा कें डील क्यों असाजा जो नौजवान मुख्तलिफ़ शोबन में पढ़न था उन करण घुर्ज तो समझा तो सभी का पे अस जैसे नंढा हूँसे तो असखे उन दौर में यो वो तो मैट्रिक तमाम वही डिग्री आने कुछ वक्त गुजर त एफ ए इंटरमीडिएट जी कड़ी अहमियत होंगी उन ग्रेजुएशन वो तो ग्रेजुएशन जो करे तो वो माना सुठो पढ़ल लिखल मानू है। अगते हली मास्टर्स के एक वही डिग्री समझो वो हाँ सूरत हाल आको फ्यूचर आनमें जेस तीन तुम पीएचडी न कौ तेस तीन तुम कैरियर टाइ न सो तो जेस तीन तुम पीएचडी न कौ तगियां जी इंदड़ दौर है उनमें कैरियर टाइ न सो तो ये तमाम जरूरी आको जी एज आनमें तो पान के जितनी थी सके ओतरी तालीम हासिल कर। अजकल जो दौर हाँ कूड़ी डिग्री जो दौर ना हाँ तवे जरूरी आहारत हासिल कर जै भी फील्ड में आयो पर जवे उन फील्ड में महारत ना तो तुझे कोई स्कोप ना स्कोप तदी जद तवांके उन फील्ड ते ग्रिप होजे। महारत किए इंदी महारत तरहें इंदी जद तां पांजे सब्जेक्ट के समझंदो जद तवां अंडरस्टैंड कंदो उनन सबनी शयन के जेको तां पढ़ो था मां समझंदो आ ओ समूरो इल्म बेकार आ जेको तां समझो ना है। आपके इस खूबसूरत ख्याल को अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग इतने खुश्क सब्जेक्ट पे इस बुक लॉन्चिंग के प्रोग्राम में इंतहाई चहकते हुए महकते हुए हंसते हुए चेहरों के साथ बैठे हुए। मैं गुजारिश करता हूं कि शायर हजरात जो होते हैं वो दुनिया को रास्ते दिखाने वाले होते हैं। आज इस प्रोग्राम के अंदर मैं अप्रिशिएट करता हूं ये खुशहाल खान खटक के तसलसल को लेकर ये वाना और वजीरस्तान में बसने वाला पश्तों बोलने वाला वो क्या बात है कि सिंध के रनीकोट में भी जाता है, सिंध के सहरा में भी जाता है, सिंध के गांव में भी जाता है। ये कौन सी भटकती हुई रूह है, ये कौन सी भटकती खुशहाल खान की रूह है कि शाब्द लती भिटाई के धरती को
अपनी धरती समझता है और उसके गुण गा रहा है। सलाम है इस डॉक्टर साहब को कि इन्होंने न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में अपना काम किया है लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने शायरी भी उसी रवानी के साथ की है और 11 किताब लिखे हैं। किताब खुद एकड़ो मोहब्बत नामो है जेको साईं सादिकला साहब जन के तरफा सिंध के एकड़ी सुखड़ी है, सिंध के लिए एकड़ो तोहफो है। यकीनन किताब के तोहफे का वधिक को भी तोहफो कोने को है, वो किताब भी वरी एकड़े शायर जो किताब हो जे। हकीकत में इन किताब में मौजूद नज़्म, हर नज़्म इंतहाई अहम है। हर नज़्म एकड़ो एहसास है, एकड़ी फीलिंग है। ये जो को मिठो दरिया है, यो महज दरिया कोने, दरियान जो पी है। सादिकला साहब सिंध के चिपे चिपे में एक तो वो है, बो मानुन जा एहसास कलम बंद कया अई। कदें वो आमरी ते तो वने, कदें वो मोहन के दड़े ते तो वने, कदें लतीफ़ के चरणन में वही वेह तो उतना शायरी की जन तो खैरात वटे तो उनखा पो लिखण शुरू करे तो। मैंने जितने अकाबरीन को पढ़ा, जितने बड़े बड़े लोगों को पढ़ा, उसमें एचटी लेम्बर्ग की सिंध करार देने वाला जो भी शख्स था उसका नाम तो डॉक्टर सादिकुल्ला खान है और अभी भी वो बैठे हुए हमारे दरमियान। मैं ये कहता हूँ ये सिंध डॉक्टर सादिकुल्ला खान की है। हम आशिक हैं इनकी बुलंद मिजाजी, इनकी फरिश्ता सिफती, इनकी फ़कीर मंशी और इनके उस किरदार पे कि जब भी जो आदमी डॉक्टर सादिकुल्ला खान के पास जाता है तो वो समझता है कि मुझे सबसे ज़्यादा इज्जत मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर सादिकुल्ला खान साहब को मैं आप सबकी तवज्जो से सैल्यूट पेश करता हूँ। आपने ये जो किताब लिखी जिसमें आपने ब्राह्मण का भगवान, मिठा बुद्ध, मुल्तान और सिंध और इस तरह के जो आपने आफाकी टॉपिक्स चुने हैं, डॉक्टर साहब जब मैंने आपकी अंग्रेज़ी पढ़ी तो मुझे लगा मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता कि इतनी अंग्रेज़ी की बारीक बीनियों को खूबसूरत अंदाज में जिस तरह आपने कलम बंद किया। तो मैं आपको न सिर्फ आपको ये समझता हूँ कि आप शायर हो बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आप सिंध का असासा हो। किताब पढ़ के मुझे नहीं लगता कि ये इंसान जिसने ये किताब लिखी है वो सिंध की धरती का भले जाया नहीं है तो सिंध की धरती का है ज़रूर। खान साहब ने जैसे कि पोइट्री की बात करते हैं तो मैं गालिब, मीर तकी मीर इन सब से नाराज़ होकर ये कहता हूँ कि इश्क सिखाया है बच्चों को, नौजवान तबाह हो गए हैं। इन्होंने सिंध की धरती को निचोड़ा है। मैं समझता हूँ एक राइटर एक कंदील की नुमा होता है, शमा की नुमा होता है जो खुद पिघलता है, लोगों को रोशनी देता है। और वही नस्बत है खान साहब की। इन्होंने अपने आप को अपनी एज के ज़रिए पिघलाया है और सिंध को निचोड़ के अपने दामन में समो के आप लोगों को पेश किया है। मुझे बताइए क्या शायर लिखते हैं जीत ए हार? वो तो लिखते हैं लव्स, जुल्फें, हया, हिजाब, पता नहीं इस तरह की बातें। ये शायर जो लिख रहा है ब्राह्मण जो भगवान, इन्होंने हम लोगों को भी अलग नहीं किया, हमें भी अपनी किताब के अंदर समोया। इन्होंने एक ब्राह्मण के भगवान के ऊपर भी लिख दिया। आगे कह रहे हैं आगे की सोच, अग्गे जी सोच। अब मुझे बताएं रणी कोट के किलो के ऊपर कौन लिखता है शायर? जिनकी जिंदगी वजीरस्तान में गुजरी हो वो रानी कोट के ऊपर शायरी लिखता है, यार कितना अजीम है ये शायर। आखिर वो कौन सी इंस्पिरेशन थी जो सादिकुल्ला खान को मजबूर करती है कि यहाँ के सिंध की सरजमीन पे लिखे? तो वो कौन सी बात है? वो यही बात है कि वी आर ऑफ द सेम मड, हम एक ही मिट्टी के लोग हैं। वो जो चाइना के लद्दाख से लेकर कराची तक आती हैं, दुनिया को हमने तहजीबें दी हैं, सिर्फ यह है कि हम तारीख को रुजू करें और इसी तरह से शायरी को अपने सिंध के मान में लिखें या सिंधु दरिया के मान में लिखें जिस तरह से सादिकुल्ला खान ने लिखी है। हमें फिर से देखना है कि ये जो सिंध है,
सिंधु नदी है, सिंधु दरिया है, जो जान से अजीज़ दरिया है, उसके साथ आज क्या पोजीशन है, कल वो किस चीज़ में था, उसको रिविज़िट करना है। उस दरिया की जितनी भी तहजीबें हैं उसको हमें अपना करना है। और दूसरी बात यह है कि जब ज़बानों की बात आती है तो शायर तो अपनी तरीके से सोचता है कि जैसे मैं यही ट्रिब्यूट दूंगा, इंग्लिश में इसने लिखा है, बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश लोग तो पहले ही हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो तो 16 सदी से लेकर जितनी इंग्लिश में बुक्स हैं हमारे पास इंग्लिश लोगों के लिखे हुए, और सिंधु नदी के एक एक इंच को उन्होंने नापा है, एक एक इंच से उन्होंने मोहब्बत की है। ये जो आज हम डाइक्स यानी बंद देखते हैं, बैराज देखते हैं, ये जितनी भी ब्रिजेस देखते हैं, दिस वॉज द लव आर आई एल्स थिंग, अगर ये प्यार था या कोई और चीज़ थी, लेकिन वो अंग्रेज़ों ने भी की थी। ये इंग्लिश लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे जो पैगाम सिंध के लिए देता है सादिकुल्लाह खान, मैं इसके लिए उसको सलाम और ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। बात हुई और इंशाल्लाह होती रहेगी, लेकिन सिंध को जिसने फॉर द टाइम बिंग उजागर किया है उसकी शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ सर की फैमिली में से कोई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सर की पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है एक कौम की सूरत में। तो देखें आज के दौर में जैसे भी प्रेजिडेंट साहब ने भी कहा कि बड़ा अफरा तफरी का दौर है, और ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि एक किताब क्या रोल प्ले कर रही है कि कोई भी नहीं है और सब मेरे साथ हैं, वरना आज के दौर में हम ढूंढते हैं कि हमें कोई मिल जाए अच्छे और बुरे वक्त पे, और ये देखें सर की खुशी है और हम सब यहाँ मौजूद हैं। दुनिया से किताबें ख़त्म हो जाएं तो हमारे पास फ्यूचर होगा ही नहीं, क्योंकि जब हमारे पास तारीख नहीं होगी तो फ्यूचर कैसे होगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत है कि आजकल जो हम सोसाइटी किताबों से दूर हो रहे हैं, जो शादीशुदा हैं उनके बच्चे हैं या जो घर में रहते हैं, जो किताबों से दूर हो रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। मिठो दरिया, इसके बारे में मैं 2-4 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। एक इंडियन था, हिंदू था, लेकिन था सिंधी। वो कहता है कि मुझसे एक तकरीब में किसी ने सवाल किया कि जी दुनिया के कौन से दरिया हैं जिनका पानी पवित्र है, तो मैंने कहा जी गंगा और जमुना। उन्होंने कहा यार आप सिंधी हैं और आपने दरिया सिंध का नाम नहीं लिया, और आपने कहा कि गंगा का पानी पवित्र है और जमुना का पानी पवित्र है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जवाब दिया कि सिंधु का पानी नहीं है, ये माँ का मुकद्दस दूध है। उसी मुकद्दस दूध वाले दरिया पे लिखा है सादिकुल्लाह साहब ने अखलाकियात। अब आजकल का जो मेरा ख्याल है कि हमें सोचना चाहिए, क्योंकि देखें हम वाकई एक तहजीबों की माँ के एक दौर में रहते हैं, हम उसी सिविलाइजेशन में रहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ जब दुनिया के लोग जंगलों में रहते थे, जो कपड़े नहीं पहनते थे, तो हम वाशरूम यूज़ करते थे। ये सिंध की तहजीब की खसूसियत थी कि यहाँ के लोग वाशरूम इस्तेमाल करते थे जब दुनिया में लोग नंगे घूमते थे और जंगलों में घूमते थे। हम ये जो सूफी मेले करते हैं, हम ये जिस तरह के बाकी जो करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि शिद्दत पसंदी को कहीं पर स्टॉप किया जाए। हम लोग शिद्दत पसंद हैं ही नहीं, सिंध के लोग हैं ही मोहब्बत वाले लोग। देखें उन्होंने अपने सीने में धरती माने सिंध ने किन किन लोगों को बसाया हुआ है।